अल्लाह ताला ने कमोबेश जो है वो अपना राउंड अबाउट कोई 7.5 से 8 अरब लोग दुनिया में पैदा किए और वो सब के सब एक दूसरे से रंग में, शक्ल में, सांचे में, चाल ढाल में, मिजाज में, पसंद नापसंद में मुख्तलिफ है। और जब हमारे मिजाज मुख्तलिफ है, शक्लें मुख्तलिफ है, पसंद मुख्तलिफ है, तो फिर हमारे मिजाज भी मुख्तलिफ होंगे, तो हमारे लिए फिर होगा क्या कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। और अगर हम बर्दाश्त करके ना रहेंगे तो एक घर में भी हम नहीं रह सकते। देखते हैं आए दिन झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, हत्ता कि बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, बाप और बेटे का हो रहा है, भाइयों का आपस में हो रहा है, छोटी छोटी बातें हैं और इतने लंबे लंबे झगड़े होते जा रहे हैं कि बाज़ुकात इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कहीं हम जो है फिर से जमाने जाहिलियत में तो नहीं आ गए। ठीक है, यानी आप अंदाजा करें, ये चीजें आपने सुर्खी अखबार की सुर्खियों में पढ़ी होगी, बच्चे के नंबर पूरे नहीं आए खुदकशी कर ली, ईद के कपड़े नहीं आए बच्ची ने खुदकशी कर ली, ठीक, और वो जनाब ईद की शॉपिंग नहीं हुई बच्चे ने बच्चों समेत जो है वो नहर में चलाने लग गई। ये क्या सिस्टम है, ये क्या रवैया होता जा रहा है, क्या दिखा रहे माशरे का, ठीक। और किस नबी की उम्मत है कि जिस नबी ने हर तकलीफ सहने के बाद, हर दुख सहने के बाद, अंतक इज्जत की कसम जितने दुख मेरे नबी को अहले मक्का ने या अहले ताइफ ने दिए हैं, इतने दुख तो किसी को भी नहीं मिले हो। मक्का की धरती है, मेरे बाप नबी जो है अल्लाह का कुरान सुना रहे हैं और इसके बदले में मुशरकीन आपको पत्थर मारते हैं, इतने पत्थर मारे कि हुजूर जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, जिसम में इतनी नकाहत आई, कमजोरी आ गई कि बेहोश होकर गिर पड़े। किसी ने आवाज लगाई ज़ैनब आओ अपने बाप की खबर लो, हुजूर की बेटी ज़ैनब को पुकार दी, ज़ैनब आओ अपने बाप की खबर। सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से दौड़ती दौड़ती हुजूर अकदस की बारगाह में आती है और सीने पर लेट जाती है और आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, बाबा अगर ये नहीं सुनना चाहते आपसे अल्लाह की बातें तो हम जो सुनने के लिए तैयार है हमें सुनाया करो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटा मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म यही है कि आप ये सुनाते भी जाओ, पत्थर काटते भी जाओ और बर्दाश्त भी करते हो। ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंच गया, मैं बार बार कहता हूं इसकी कदर की हो, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उसके अंदर कभी उसके अंदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, ठीक है, कहां कहां से गुजर। ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा, ये हजूर को जख्मी करके पहुंचा, ये कई सहाबा की जानें लेके हम तक पहुंचा, आज रसूल के काफिले को मैदानी कर्बला में लूट कर हम तक पहुंचा, ऐसे नहीं पहुंचा। तो इसलिए ये जितना हमसे कदर का मुतालबा करता है हम उतना इससे पीछे रहते हैं, तो बर्दाश्त करना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में जाते हैं, क्या सबूत है, ठीक, ये हजूर तबलीग सिर्फ कुरान सुनाने के बदले में आपको सजा मिलती, सहाबा बाग में बिठाते हैं, खून साफ करते हैं, जूते साफ करते हैं और आप फिर भी ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी कौमी इन्नहुम्ला यालमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये नहीं जानते कि तेरा मोहम्मद किस शान का मालिक है, वो हिदायत दे। वो इतनी बड़ी बर्दाश्त। और एक हम है कि रोटी पे झगड़ा कर रहे हैं, फीस पे झगड़ा कर रहे हैं, तनख्वाह पे झगड़ रहे हैं, कोई चीज पहले मिलने या ना मिलने पे झगड़ रहे हैं, हत्ता कि अल्लाह के घर मस्जिद में महफूज रहे हैं, अजानों पे झगड़े हो रहे हैं, तकबीरों पे झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, उसने क्यों पढ़ दी मैंने क्यों नहीं पढ़ी, भाई अगर किसी ने पढ़ दी है तो क्या होगी, ये अल्लाह के घर का मामला है, ठीक है, किसी को क्या जरूरत है कि अल्लाह के घर से जो है अल्लाह के जिक्र से रोके। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमन अज़लम मिम्मन सअलता अय्युस्कुरा फीहा वसअ फीहा, उससे बढ़कर कौन है जालिम कि जो अल्लाह के घर से किसी को जिक्र से रोकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये परसों और तरसों जो है ये साथ आबादी कलंदर पूरा मंसूर अली साहब, वहां से जो है एक मसला आया था कि सिर्फ इस बात पे झगड़ा हुआ कि एक बुजुर्ग ने यहाँ पे चेयर रख दी तो वो उसको दूसरे ने कहा कि यहाँ पे क्यों रखी है, उधर दीवार के साथ रखो, ये इस कुर्सी के रखने पर
पर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि अब उनका मुकाबला हो गया कि यार ये मस्जिद में आएगा या मैं आऊंगा। ठीक, तो वो मजबूरन फिर नमाजियों में इकट्ठे हो गए, एक बाबा जी के आगे हाथ जोड़ेंगे, तुम घर में पढ़ा करो, इसको आने दो, तो फिर बात तो ये सुना दिया। तो क्यों आखिर क्या हो गया? ठीक है, क्या हमारी रिजाइन गलत हो गई, क्या हमारी सोचे गलत हो गई, कौन कौन से असबाब है? उधर अल्लाह के नबी का फरमान सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैस अश्शदीद बिस्सुरा इन्नम अश्शदीद अल्लज़ी नफ्सहु इंदल गदब। हुजूर ने फरमाया वो बहादुर नहीं है कि जो किसी पहलवानी के मैदान में किसी को पहचान दे और जीत जाए। हुजूर ने फरमाया वो पहलवान है जिसको गुस्सा आए और गुस्से को पी जाए, वो असल में पहलवान है। ठीक है, और फिर हमारा गुस्सा भी बड़ा अकलमंद है। ठीक है, तकड़े के आगे बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। ठीक है, माड़े के अवमत जो है ना इतना शदीद आता है कि उसका जो है वो लेवल कंट्रोल ही नहीं होता। ठीक है, कोई मालदार हो जाए तो उसके आगे लेट जाता है हमारा गुस्सा, और कोई गरीब आ जाए तो उसके आगे खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जहालत है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। सीधा साधा एक हमारा दीन है, इस्लाम है, बड़ी प्यारी नरमी वाली तालीमात है। एक दूसरे के लिए जितना मुखलिस बने उतना अच्छा है। एक से आप ये हुजूर की बारगाह में हाजिर हो, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत कीजिए। हुजूर ने फरमाया ला तबगी, गुस्सा न किया कर। पूछा हुजूर फिर और कोई नसीहत है? हुजूर ने फरमाया ला तबगी, बस गुस्सा न किया कर। तीसरी मरतबा पूछा तो हुजूर ने फरमाया ला तो बस तेरे लिए सिर्फ ये नसीहत है कि तू गुस्सा ना किया कर। तो उस सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर मैं गुस्से को रोक लूं तो मुझे अजर क्या मिलेगा? हुजूर ने फरमाया मन कफ्फा गादबहु कफ्फत लहु अन्हु अज़ाबहु, कि जो बंदा गुस्से को कंट्रोल कर लेता है अल्लाह उससे जहन्नम के अजाब को रोक लेता है। जहन्नम के अजाब को अच्छा, इसका अजर ये क्यों ज्यादा है? इसलिए कि ये मुश्किल है। नमाज पढ़ना आसान है, लेकिन थप्पड़ खाने के बाद दुआ देना ये मुश्किल है। रोजा रखना आसान है, गालम गलोच सुन के दुआ देना भी याद जाते रहता है, ये काम मुश्किल है। ठीक है, और इससे भी बड़ा अजर हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं मन तरक अल खस्मा फहुवा मुहिक्कुन अन अकमिल लहु बैतन फी मस्जिद जन्नत। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा सच पे हो और फिर भी झगड़ा खत्म कर दे, गुस्सा खत्म कर दे, बर्दाश्त कर ले, हुजूर फरमाते हैं सच पे होने के बावजूद अगर वो बर्दाश्त कर लेता तो मैं मोहम्मद उसको जन्नत के दरमियान में घर की जमानत देता हूँ। दरमियान फी वस्ती जन्नत, जन्नत के सेंटर में। आप जानते हैं कि किसी की आबादी का जो सेंट्रल एरिया होता है वो ज्यादा अहमियत का हामिल होता है, कि उसके साथ जो है सहूलियात ज्यादा जुड़ी होती है। अभी एक सोसाइटी का सेंटर है तो वो सेंटर ज्यादा अहम होगा, कि उसके साथ पार्क होगी, मस्जिद होगी, दायरे के जाने के रास्ते जो है वो आसान होंगे। तो जो गुस्से पर पीने वाला है हुजूर फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के दरमियान में है। और इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान की अलामतों में से जो अलामतें कुरान में बयान फरमाई उनमें वल काज़िबीन अल-गैज़, जो गुस्से को पीने वाले, वल आफीना अन-नास, और लोगों को माफ करने वाले, और हुजूर की सीरत का भी तस्करा करते हुए अल्लाह ने फरमाया फरमा रहमत मिन अल्लाह, कि ये अल्लाह की रहमत है आपकी तरफ से, लिंता रहो कि आपको उनके लिए नरम कर दिया गया। वलो कुन तफसल गलीज कल्ब, अगर आपका दिल उनके बारे में सख्त होता, लग फर्दु मिन हौले, तो ये आपके इर्द गिर्द ना होते। फाफवानु, ऐ मेरे हबीब इनको माफ कर दीजिए, सिर्फ माफ ही ना करें बल्कि वस्तगफिर लहु, इनके लिए माफी अल्लाह से भी मांगी। ठीक है, इनके लिए इस्तगफार है। और इसलिए हुजूर की सीरत से जो है हमें ये सबक मिलता है कि एक इंसानी माशरे में रहते हुए, इंसानी माहौल में रहते हुए, खुशी गमी दुश्मनी मोहब्बत ये सारी चीजें ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ नेचर है, फितरत का हिस्सा है। लेकिन कभी मोहब्बत में इस तरह हद से आगे ना बढ़ा जाए कि कुछ नजर ना आए, और दुश्मनी में भी जो है इस कदर आगे ना बढ़ा जाए कि अल्लाह रसूल के अहकाम को जो है पसे पुष्ट डाल दिया जाए। दरमियान वाला, एतदाल वाला माहौल रखें, एतदाल वाली जो है तबीयत बनाए,
कि भाई हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहसियत मोमिन जो एक शान रखी है वो ये है कि मोमिन का मिजाज नरम होता है, लेकिन सख्त मिजाज नहीं होता। और अगर गुस्सा आ जाए तो औज़ु बिल्लाह का विर्द करें और औज़ु बिल्लाह की बरकत से जो है गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है और गुस्से को अकलमंद बनाए कि जहां पे वाकई गुस्सा करना बनता हो वहीं पे किया जाए और वाकई जिस पे बनता उसी पे किया जाए। ठीक है, एक तो उसको अकलमंद बनाने की जरूरत है कि फिर बर्दाश्त का मादा पैदा होगा, फिर जो है उसके लेवल में जो है तमीज करने की जरूरत है कि किस लेवल का होना चाहिए। ये ना हो कि हमारा मसला जो होता है वो मुस्तहबका होता है। ये मसले मामले में भी जो है सिर्फ नासमझी की वजह से बहुत सारे हमारे मसबी आदाब तैश में आ जाते हैं। उसमें तो एक बदकिस्मती है ना अलमिया है कि अभी तक भी हमारी मस्जिदों में कोई 80% मस्जिदों में जो अमाम मस्जिद है वो खुद पड़े हुए नहीं है। ये अलमिया है बात, यानी जिन बंदों को हमने मेहराब और मुसल्ले का वारिस बनाया 80% वो है कि जो खुद पड़े हुए नहीं, सिर्फ 10 सूरतें याद है तो बस मौलाना साहब बन गया, 2-4 मसले बयान करने आ गए मौलाना साहब बन गया। ठीक है, ये क्यामत की निशानियों में से निशानी है। हजूर ने फरमाया क्यामत के करीब जो है कसीरुल खुतबा व कलीलुल फुकहा, खतीब बड़े होंगे ते समझदार कोई कोई होगा, तकरीरां हमें ढेर लगे होंगे, नेट पूरा यूट्यूब भरे रहेगा, उधर भी चैनल उधर भी चैनल उधर भी चैनल। ठीक, लेकिन समझदार कोई कोई होगा, ये नहीं पता होगा कि कब किसको क्या कहना है, तालीम क्या देना। ठीक है, तो इसलिए मजहबी मामलात पर भी हमने बहुत सारे झगड़े देखे हैं कि भाई एक शरीयत ने वो काम रखा है कि जो मुस्तहब है, मुस्तहब का मतलब है कि कर ले तो ठीक है, ना करे तो गुनाह नहीं, ना करे तो, जब शरीयत ने उसमें ये अख्तियार रखा है तो मैं कौन आता हूं किसी के इख्तियार पढ़ने वाला। जब शरीयत ने कहा है कि कर लो ठीक है ना करो ना सही। ठीक, अब जिस तरह ये हमारे इमरान साहब जो है रोजाना एक देख जो है यहाँ तकसीम करते हैं, तो अब ये सबके लिए तो जरूरी नहीं है ना कि ये जो है सब पे जबर करेंगे, तुम भी देख दिया लो, अख्तियार मामला है, कोई करे ना करे ये उसमें उसकी जाती चॉइस का मामला है। तो इसलिए हमारे यहां मजहबी मामला में भी जो है जिस काम में शरीयत ने लड़ाई रखी नहीं उस पे लड़ने, ठीक पक्का बात ये दे खत्म नहीं लाना। ठीक है, एक दिन गाते जाने में इस्लाम भी नहीं गया। ठीक है, तो ये जो यानी अब खत्म दिलाना देख पकाना दुआ करना ये जायज नजायज मामला, इसमें शरीयत की तरफ से अख्तियार कर ले ठीक है ना करे गुनाह नहीं। अगर आप ये खत्म दिलाने की तौफीक नहीं है, आपको शरीयत नहीं कहती कि आप किसी से कर्ज लेकर फिर आप देख पकाना शुरू कर दें, और हमारे यहाँ इसी पर लड़ाई होगी। इसी तरह मैंने कई मौलवी हज़रात को निकाह और खत्म पे लड़ता देखा कि इसने मेरे मोहल्ले में निकाह पढ़ लिया, मेरे मोहल्ले में खत्म पढ़ लिया, तो मैं तो उनको समझाता हूँ कि इन चीजों का ताल्लुक मस्जिद से है ही नहीं, इन चीजों का ताल्लुक मस्जिद से, निकाह तो थाने में भी हो सकता है, अदालत में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, मस्जिद के साथ वो है ही नहीं शरीयत में, तो इस पर लड़ाई क्या बने। तो इसलिए थोड़ा हमें वसत का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, छोटे बड़ों को बर्दाश्त करें, बड़े छोटों को बर्दाश्त करें, तामल मिजाजी वाला माहौल हो, और इसमें सबसे बढ़कर दलील हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आपकी जात से बढ़कर किसी को नहीं सताया गया, आपकी जात से बढ़कर किसी को तकलीफें नहीं दी गई, लेकिन हर तकलीफ के बाद मेरे पाक नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे रहमत बना के भेजा है, मैं इंतकाम नहीं दूंगा बल्कि तकलीफ देने वाले को भी दुआ दूंगा। तो अल्लाह के अदब इल्तिजा है, अल्लाह ताला हमारे माशरे को हमारे मिजाज को तहमल वाला बर्दाश्त वाला बनाए, ताकि माशरे में आए दिन ये जो छोटे छोटे झगड़े फसादात और फितने हैं इनका दरवाजा बंद हो सके। اللهم صل على سيدنا محمد ربك ورسولك كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث